बुधवार देर शाम को कंपनी प्रबंधन ने प्लांट को बंद करने के लिए फरमान जारी कर दिए। उधर अदाणी समूह की ACC सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा के प्लांट हेड ने बुधवार शाम को नोटिस जारी कर गुरुवार से फैक्ट्री में अनिश्चितकाल के लिए सभी गतिविधियां बंद करने की घोषणा की। बता दें कि ACC सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा से जिला बिलासपुर और प्रदेश के करीब 38,000 ट्रक ऑपरेटर जुड़े हैं। इनमें बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के 23,000 ट्रक चालक माल ढुलाई कर परिवार पालते हैं। पूर्व सैनिक सभा के 1500 ट्रक है। अगर प्लांट बंद होता है तो 3800 ऑपरेटर बेरोजगार होंगे। इसके अलावा 3800 चालक 1500 परिचालक बेरोजगार होंगे। फैक्ट्री बंद होने से बिलासपुर से सवार घाट तक करीब 600 मैकेनिक और टायर पंचर का काम करने वालों की ज्यादातर रोजी रोटी ट्रकों से चलती हैं। इनके अलावा क्षेत्र में ढाबा चलाने वालों की रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। कंपनी में 530 नियमित कर्मचारी और 450 कर्मचारी ठेके पर है। फैक्ट्री बंद होने से इन सभी पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। करीब 5 महीने पहले ही अदाणी समूह ने ACC इकाई को टेक ओवर किया था। उसके बाद पहले ACC और ट्रक ऑपरेटर के बीच हुए 15,000 मीट्रिक टन माल ढुलाई को कम कर 5,000 मीट्रिक टन किया। उसके बाद ऑपरेटरों ने जमकर इसका विरोध किया। अब कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को भी काम पर आने से मनाही कर दी है। BDTS के निर्वाचित प्रधान राकेश मरौकी ने कहा कि कंपनी के इस फैसले के बाद ऑपरेटरों के साथ वीरवार को बैठक की जाएगी। बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। द गागल सीमेंट वर्कर यूनियन के अध्यक्ष शिवराम संख्या ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर कंपनी प्रबंधन ने बुधवार देर शाम को कर्मचारियों के लिए नोटिस लगाया है। इसका वे कड़ा विरोध करते हैं। वीरवार को उन्होंने वर्करों की बैठक बुलाई है। कंपनी से मांग करेंगे वर्करों का वेतन नहीं रोका जाए। यदि वर्करों का वेतन रुका तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।